हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीके से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो आप लोग को थंबनेल्स पता चल गया होगा कि हम लोग इस वीडियो में देखने क्या वाले हैं ना। आपको और बता दूँ, हम लोग बेलन से कुछ क्वेश्चंस देख चुके हैं, उसका फॉर्मूला जितने हैं सभी को देख चुके हैं ना। तो कुछ और क्वेश्चन देख लेते जिससे हम लोग का क्या हो सके 100% फिक्स हो जाए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम अब उतना देर रह नहीं गया कि हम लोग आराम से पढ़े हैं ना। अब पढ़ाई का टाइमिंग बढ़ा लीजिए आप लोग भी, और अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत करिए और अच्छा नंबर, अच्छे परसेंट लाइए, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे दिया क्या है हम लोग का, बेलन का आयतन ज्ञात करना। पहले से बता दिए हैं भाई कि बेलन का आयतन ज्ञात करो आप लोग, जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई दिया है। त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या मतलब आर दिया हुआ है, आर को दे चुका है हम लोग का 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है मतलब एच दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में है, ठीक है। और निकालना क्या है, आयतन निकालना है, आयतन ज्ञात करना है, क्लियर। इतना तो करना ही है, ये आप लोग को पता है ना, ठीक। इतना करने से ही हम लोग का कम से कम 1 मार्क्स तो फिक्स हो ही जाता है किसी भी क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। हम जानते हैं सूत्र, ठीक है, लिख दो भाई सूत्र आयतन का। आयतन बराबर क्या होता है, आयतन का सूत्र बताओ तो आप लोग, ठीक है, किसको किसको याद है बताते जाओ भाई। आयतन का सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर एच, क्लियर। वैल्यूज रखो, पाई का मान होता है 22/7 गुणित आर की जगह पे रखना है अपने को 3 का वर्ग गुणित में 14, क्लियर। वर्ग क्यों रखे, क्योंकि वर्ग है फॉर्मूला में ऑलरेडी, ठीक है। तो 22/7 गुणित 3 का वर्ग है मतलब 3 × 9 हो जाएगा, 3 2 12 है, वहां पर ऐसा 3 × 3 तो 3 × 9 आया। अब गुणा में 14 तो कट रहा है, 7 × 7 = 14, बाकी रहेगा 22 × 9 × 2। इसको कंप्लीट आप लोग गुणा कर दीजिए ऐसे, इन दोनों का पहले करेंगे तो 9 × 2 = 18, इसका आप लोग फाइनल गुणा करोगे तो 18 × 2 = 36 की 6 हाथ में रहेगा अपन का 3, ठीक है। 18 × 2 = 36, 37 × 38 = 39, मतलब 396 घन सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, घन सेंटीमीटर। क्लियर हुआ एक क्वेश्चन आप लोग का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। क्या दिया है, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे चुका है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, 7वां है ये, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, इतना दिया हुआ है। आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, और ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई मतलब क्या, एच को दे चुका है कि 10 सेंटीमीटर है हम लोग का। तब हम लोग को क्या करना है, इसमें बोल रहा है क्वेश्चन पे कि आयतन ज्ञात करिए करके, आयतन ज्ञात कीजिए करके, है ना। तो आयतन बराबर हो, ऐसा लिख दे क्यों, सिमिलरली सेम वे से किए हम लोग इसको भी, तो ये आदत में ही लगा लीजिए कि हम लोग को ऐसा करना ही है हर एक पाठ में, गणित बना रहे तब हम जानते करके लिखेंगे, ठीक है। आयतन का सूत्र क्या होता है, फिर हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, सूत्र आयतन का सूत्र अपना होता है आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। अब बीच की है ना, ठीक है, जस्ट निकाल के दिखा रहा हूँ आप लोग को, देखो 3 3 नंबर में आएगा ये सभी क्वेश्चंस, तो उसके हिसाब से करिए, है ना। पाई का मान 22/7 गुणित आर का मान कितना है, नहीं दिया है, ठीक। इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, जैसे कि आधार का क्षेत्रफल दिया, आधार के क्षेत्रफल को क्या बोला जाता है, पाई आर स्क्वायर, मैं समझा चुका था आप लोग को, है ना। तो यहां पर देखो पाई आर स्क्वायर की जगह पर मैं रखूंगा 154 गुणित, और एच के मान दिया हुआ है 10, तो 10 तो इतना हो जाएगा ये तो 4 नंबर और 3 नंबर के लायक नहीं है क्वेश्चन, बट मे बी दे दे तो याद रखना, घन सेंटीमीटर। क्या चेंज किया, समझ आया ना, जो आधार का क्षेत्रफल दिया था ना वो उस खुद क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो 154 दिया है तब इसको ऐसा करेंगे, क्लियर है, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं आप लोग के बुक से। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, क्या क्या दिया है लिख लो उसको। एक बेलन की आधार की परिधि दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तब हम लोग को बेलन ज्ञात का आयतन ज्ञात करना है। मतलब दिया क्या है, आधार की परिधि,
परिधि कितना दिया हुआ है? 88 सेंटीमीटर। क्लियर है ये? 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई मतलब उसका एच दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? यही दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक, फिर क्या निकालना है हम लोग को? आयतन निकालना है। तो आयतन क्या होगा ये बताना है। ठीक है, क्या कर सकते हैं? आयतन का सूत्र क्या होता है आप लोग को पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। हम लोग को एच की जरूरत है तो एच है, लेकिन आर नहीं है कहीं पर भी, तो आर सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, चूंकि क्या लिख सकते हैं हम लोग, आधार की परिधि, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, बेलन की आधार की परिधि मतलब 2 पाई आर बराबर कितना होता है? 88 दिया हुआ है, तो 2 पाई आर बराबर 88 मतलब सबका हम लोग को किसका मान निकालना पड़ेगा? इस आर का ना, बाकी का मान रखो तो 2 गुणित 22/7, और यहाँ पर कितना है गुणित में, आर बराबर 88। इसको इस तरीका से भी तो लिख सकते हैं ना, हम लोग को आर का मान निकालना है, बाकी को भेज दो। ठीक, तो आर बराबर हो जाएगा 88, जो यहाँ नीचे में है वो उस साइड जाएगा तो ऊपर में जाएगा, जैसे 7 ऊपर में चला जाएगा और नीचे पे क्या आएगा, 2 गुणित 22 हो जाएगा। क्लियर? अब जो जो कटता है उसको कटा दो, जैसे कि 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, तो ऊपर में देखो सिर्फ 2 बाकी है और 7, तो आर का मान कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक से? ठीक, अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं इसका आयतन। तो आयतन इस तरीके से निकालेंगे, आयतन का सूत्र होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। आप लोग दोनों वैल्यू को रखो, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उतना करके देखो तभी तो प्रैक्टिस होगा आप लोग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, 9 में क्या बोल रहे, एक बेलन का आयतन को दिया हुआ है। ठीक है, दिया है में लिखेंगे हम लोग बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है, बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर, ऐसा। ठीक है, घन सेंटीमीटर आप लोग को लिखना है, और ऊंचाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, मतलब उसी एच का मान को दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? हम लोग को निकालना क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या ज्ञात करनी है इसकी, मतलब आर का मान को निकालना पड़ेगा इसके मान को। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसी देखो ये आयतन वाले सूत्र यहाँ पर हम लोग का लिखा हुआ है, इसी आयतन पे हम लोग मार रखेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि उसका वैल्यू दिया हुआ है। तो आप लोग उसको ऐसे हल करो, चूंकि ठीक है, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, और आयतन कितना दिया हुआ है, 3080 पाई आर स्क्वायर एच, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि आयतन जितना दिया उतना लिख दिया मैं। ठीक है, अब जो एच का मान पता है तो एच के मान को भी रखो, पाई, पाई का मान कितना होता है, 22/7, आर का मान नहीं पता तो उसको आर का स्क्वायर ही रखेंगे, और एच का मान कितना दिया हुआ है, 20। क्लियर? अब सबको उस साइड से पक्षांतर करेंगे तो इस तरीका से होगा, जो नीचे में है वो ऊपर चला जाएगा, और जैसे कि जो जो ऊपर में है वो नीचे पे आएगा इस तरीका से, और उस साइड बचेगा आर का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? ठीक, अब क्या कर सकते हैं, कटाओ इसको, तो ये 10 दूनी 20, ठीक है, 10 3 30 और फिर 8 है तो 0 10 8 80, इतना। ठीक है, इतना वो होगा 308 × 7 और अपॉन में 22 2 रहेगा आर का स्क्वायर। कंप्लीट है यहाँ तक? ठीक ठीक है, उसको और आगे हल करके देखते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं 308 × 7/22 × 2 बराबर आर का स्क्वायर। जो कटाना है तो नॉर्मल नॉर्मल उसी को कटा के देखते हैं, 2 एक कम 2 और इसको कटाओ, क्योंकि लास्ट में 8 है, मतलब 2 से कट जाएगा ना, 2 एक कम 2, 1 बाकी तो 10 हुआ, 2 पंचे 10, 2 चौक 8। क्लियर? अब बाकी कितना हुआ, 154 × 7/22 आर का स्क्वायर। अब कटा के देखो तो किससे कटेगा, ये हम लोग का किससे, 11 से कटेगा, कि 11 दूनी 22, ऊपर को कटाओ, 11 एक कम 11, 4 बाकी 44, तो 11 चौक 44। क्लियर है? हो
होगा इतना। तो ऊपर में 14 गुणित 7 है और नीचे में 2 बराबर r का स्क्वायर, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो 7 गुणित 7 बराबर r का स्क्वायर। अब देखो मैं 7 को ऐसा लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर होगा ना, क्लियर। तो ये पावर और पावर कटेगा तो r का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये देखो थोड़ा सा लंबा सा प्रोसेस है, बट आप लोग करोगे इस तरीके से कंप्लीटली तो आप लोग से हो ही जाएगा, ठीक है। आई होप अब ये पूरा पार्ट आप लोग से बन जाएगा, क्योंकि और भी बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं करते, इसका बहुत लंबा हो जाएगा, हम लोग को आगे भी देखना है, ठीक। तो यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको एक यूजफुल कंटेंट का बेनिफिट मिलती रहे और साथ ही साथ आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी होती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।